आइए दोस्तों आपको लेके चलते हैं एसलीपीएस वेलनेस के मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड, जो कि भारत के राज्य राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर में स्थित है। दोस्तों एसलीपीएस वेलनेस की दोनों प्रोडक्शन यूनिट, फूड सप्लीमेंट यूनिट और आयुर्वेदिक यूनिट दोनों जयपुर में स्थित है। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रो हब्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एसलीपीएस वेलनेस का कई हजार स्क्वायर फीट में फैला हुआ रो मेटल वेयर हाउस है। जिस रो मेटल वेयर हाउस में हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से भी जहां से ओरिजिनल हब्स, ऑर्गेनिक हब्स आती हैं, वो हब्स यहां पर आकर कलेक्ट होती हैं। उसके बाद ये दोनों प्रोडक्शन यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। दोस्तों एसलीपीएस वेलनेस ज्यादातर वाइल्ड कलेक्शन हब्स यूज करती है, जो कि राज्यों सरकारों के माध्यम से उनके जंगलात से परचेज की जाती हैं, जैसे उत्तराखंड सरकार या मध्य प्रदेश सरकार। उसके बाद और ज्यादातर हब्स की एसलीपीएस वेलनेस फार्मरों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा के उनको परचेज करती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कश्मीरी केसर, ये ओरिजिनल कश्मीरी केसर जिन प्रोडक्टों में यूज होती है उनमें डाली जाती है। बेरीज, ये रो बेरीज है। कीवी, ये भी रो कीवी है। ये देखिए दोस्तों शिलाजीत, ये शिलाजीत इस पत्थर, ओरिजिनल पत्थर के माध्यम से हम इस शिलाजीत का, शुद्ध शिलाजीत का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ये देखिए आलमंड्स, इसका पाउडर बना के हम लोगों ने इसको स्टोरेज किया है, और जिन भी प्रोडक्ट्स में आलमंड्स पाउडर की जरूरत होती है उसमें ये प्रोडक्ट हम डालते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल हमारी दोनों प्रोडक्शन यूनिट में जा रहा है, प्लस यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल भी है, जो भी प्रोडक्ट की डिमांड के अनुसार हमारी दोनों प्रोडक्शन यूनिट में जा रहा है। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी पहली प्रोडक्शन यूनिट एसलीपीएस आयुर्वेदा। एसलीपीएस आयुर्वेदा में ये हमारे सर्टिफिकेशन है ISO, GMP, हलाल, कोसर, HACCP और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास है। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे डिपेंड करती है। दोस्तों हमारी एसलीपीएस आयुर्वेदा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वर्ल्ड क्लास है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज आरओ, सेकेंड स्टेज आरओ, उसके बाद यहाँ पर EDI सिस्टम लगाया हुआ है, जिसके माध्यम से हमें डीआयोनाइज्ड वाटर मिलता है और वो हमारे प्रोडक्ट में यूज करके हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसमें कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं होता। दोस्तों तकरीबन कंपनियां DM वाटर यूज करती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन का चांसेस होते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ रो हब्स प्रोसेसिंग यूनिट में। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं ये एलोवेरा का प्रोसेस हो रहा है। ये एलोवेरा ऑर्गेनिक होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एसलीपीएस आयुर्वेदा में आता है। दोस्तों इसके आने के बाद इसकी वॉशिंग होती है, फिर कटिंग होती है, फिर साइजिंग होती है। ये एलोवेरा चार स्टेज में वॉश होता है, उसके बाद इसकी पल्पिंग होती है और प्रोडक्ट के अनुसार ये एलोवेरा उन प्रोडक्टों में डाला जाता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। दोस्तों हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट तीन भागों में बटा हुआ है, वेट लैब सेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन एंड R&D सेक्शन। दोस्तों हमारी कंपनी में R&D सेक्शन में बहुत योग्य साइंटिस्ट और सालों का जिन्हें एक्सपीरियंस है वो काम करते हैं। कई कई महीनों हम एक एक प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट जब फाइनल हो जाता है, उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसकी प्रॉपर R&D हो जाती है, उसके बाद हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके जितना भी रॉ हब्स आती हैं उनका टेस्ट करता है, पैकिंग मटेरियल का टेस्ट करता है और इवन फिनिश्ड गुड्स का भी टेस्ट करता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट पे। दोस्तों हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करता है और कंपनी के सभी डॉक्यूमेंटेशन को भी अश्योर करता है। दोस्तों ये जो आप टैंक्स देख रहे हैं, ये जितने भी हमारे टैंक हैं, इनमें हमारी रो हब्स का प्रोसेस होता है।
दोस्तों हमारी बहुत सी रोब्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बॉईल करना होता है, फिर पूरी रात हम उनको भिगो कर रखते हैं और उसके अगले दिन हम उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज अपने प्रोडक्टों में करते हैं और उनके वुडन पार्ट्स को अलग कर देते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं वहाँ लेके चलता हूँ, वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपका डेंटोडोक का प्रोसेस हो रहा है, ये आपके इम्यूनोडोक की राहब्स की प्रोसेसिंग हो रही है, दोस्तों ये आपके कोकुम्बर क्रीम की प्रोसेसिंग हो रही है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं कढ़ाई में जो पलटा हिला रहा है वो आपकी शिलाजीत को स्टोन से शुद्ध शिलाजीत बना रहा है। दोस्तों ये आपकी ऑटोमेटिक फिलिंग लाइन है जिसमें आपके वायरल डोक की फिलिंग हो रही है, इसके बाद इसकी लेबलिंग होगी, पैकेजिंग होगी, उसके बाद ये फिनिश स्टोर में चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा यूरो प्रोडक्ट इम्यूनोडोक जिसकी यहाँ पर फिलिंग हो रही है, उसके बाद हमारा सुपर प्रोडक्ट डेंटोडोक जिसकी यहाँ पर फिलिंग हो रही है, ये हमारा हेयर ऑयल और पेन ऑयल का पैकिंग सेक्शन है जिसमें हेयर ऑयल और पेन ऑयल की पैकिंग हो रही है। हमारी असली प्लेस आयुर्वेदा प्रोडक्शन यूनिट में 7 प्रोडक्शन सेक्शन है जिनमें लिक्विड सेक्शन, ऑइंटमेंट सेक्शन, ऑयल सेक्शन, अवलेहा सेक्शन, पाउडर सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन और टैबलेट सेक्शन इत्यादि हैं। इन सभी सेक्शनों से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद हमारे फिनिश्ड गुड वेयरहाउस में जाता है और वहां से भारत के कोने कोने में डिस्पैच होते हैं। आइए दोस्तों मैं अब आपको लेके चलता हूँ हमारे फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। हमारे फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 4 सेक्शन हैं, लिक्विड सेक्शन, पाउडर सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, टैबलेट सेक्शन। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पाउडर सेक्शन में जहाँ पर हमारे सिमडोक, मसल डोक, मार्च डोक और फिट डोक प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राइंडिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, उसके बाद मेटल डिटेक्टिंग होती है कि किसी प्रोडक्ट में कोई मेटल का कंटेंट ना चला जाए, उसके बाद फाइनल फिलिंग होती है। आइए अब चलते हैं हमारे टैबलेट सेक्शन में जहाँ पर इस ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से हमारी सभी टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आइए अब हम चलते हैं हमारे लिक्विड सेक्शन में। ये हमारा लिक्विड सेक्शन है, जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स के लिक्विड प्रोडक्ट हैं उन सबकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाती है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे कैप्सूल सेक्शन में जिनमें हमारे सभी फूड प्रोडक्ट्स के कैप्सूलों की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग होती है। हमारे सभी कैप्सूल वेज होते हैं, हमारी कंपनी कोई भी नॉन वेज कैप्सूल का यूज नहीं करती। दोस्तों हमारे फूड के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें चाहे हर्ब्स हो चाहे इंग्रेडिएंट्स हो वो सब ओरिजिनल यूज किए जाते हैं, चाहे काजू हो, चाहे बादाम हो, केसर हो, बेरीज हो, कीवी हो, सभी प्रोडक्ट हम ओरिजिनल यूज करते हैं। दोस्तों हमारा जो स्पिरुलिना प्रोडक्ट है वो प्योर ऑर्गेनिक है, हम उसका सेल्फ कल्टीवेशन कराते हैं, और जो हमारा मोरिंगा प्रोडक्ट है वो भी प्योर ऑर्गेनिक है, उसका भी हम सेल्फ कल्टीवेशन कराते हैं। दोस्तों हमारा ये जो सी बकथ्रोन प्रोडक्ट है इसका रो फ्रूट लद्दाख से आता है, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होती है। दोस्तों हमारी जितनी भी राहब्स है उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक होती हैं और हमारे इंग्रेडिएंट्स प्योर होते हैं, इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता बरकरार रहती है और लोगों को हमारे फूड प्रोडक्ट से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारी दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एसलीपीएस वेलनेस आयुर्वेदा और एसलीपीएस वेलनेस फूड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्ट्स फिनिश होने के बाद जयपुर स्थित हजारों स्क्वायर फीट में फैले हुए हमारे वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं और वेयर हाउस से हिंदुस्तान के कोने कोने में ये प्रोडक्ट डिस्पैच किए जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारी नई बन रही एसलीपीएस वेलनेस आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ये फैक्ट्री हमारी 100% ऑटोमाइजेशन सिस्टम में होगी, सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आज की फैक्ट्री से 10 गुना ज़्यादा होगी। इस नई फैक्ट्री में जो लैब इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं वो लैब वर्ल्ड क्लास होगी, जिससे हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट होने में मदद मिलेगी, और इस लैब की कॉस्टिंग अगर मैं कहूँ तो कम से कम 10 करोड़ होगी। इस नई फैक्ट्री में जो लैब इस्टेब्लिश हो रही है वो वर्ल्ड क्लास होगी,
जिसकी वजह से एसलिपियस आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। इस लैब की एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं कीमत की बात करूं तो तकरीबन 10 करोड़ एंड अबव है, और हमारी ये नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा में फैली हुई है, और इसकी कंप्लीशन की मैं बात करूं तो अप्रैल के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेशन में आ जाएगी। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये हमारी फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हमारी नई फूड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी। ये फैक्ट्री भी हमारी तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगी, 100% ऑटोमाइजेशन सिस्टम होगा, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आज की कैपेसिटी तकरीबन 15 गुना होगी, और इसमें भी हम वर्ल्ड क्लास लैब इस्टेब्लिश करेंगे, और ये फैक्ट्री ऑपरेशन में तकरीबन अगले साल नवंबर दिसंबर तक आ जाएगी। दोस्तों, एसलिपियस वेलनेस के प्रोडक्शन वर्ल्ड को रूबरू कराने के बाद अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा और परमात्मा से आपके स्वस्थ और समर्थ जीवन की कामना करूँगा। धन्यवाद।